Hello, 6th standard, and welcome to English class. Today we are going to start Unit 3 from your English textbook, Semester 2 English syllabus, Water for All. Water, which is very, very important for all of us, right? Can we live without water? No. We can live without food, but we cannot live without water. Enough. So let us see what it is saying in activity 1. Water, water everywhere. Now here they have given this diagram also, but before that let us read. Did you know? That there are, my God, so many liters of water on our planet, right? This is, we are talking about water on our planet, my God. But if we talk about our body also, it says that 75% of our body, in our body we have water, enough? That seems like a lot, but drinking water can be very scarce. Why is that? अब अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर माय गॉड कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस मालूम नहीं कितने लीटर्स ऑफ वाटर इधर है प्लैनेट में हमारे अर्थ प्लैनेट में तो फिर यहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी क्यों होती है बट ड्रिंकिंग वाटर जो है इतना सारा पानी तो है हमारे प्लैनेट में बट ड्रिंकिंग वाटर वाटर विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग दैट इज वेरी स्कैर्स Why is that? ऐसा क्यों है? Because less than 0.5% of Earth's water is drinkable. ऐसा बोला जाता है Earth पे जो पानी है उसमें से 0.5% right? बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है वो पानी हम पी सकते हैं So you can see why we need to take care of our water, right? हमने ये तो देखा कि बहुत सारा पानी है लेकिन हमें अभी हमने ये भी पढ़ा कि उसमें से सिर्फ ओनली लिटिल जस्ट ओनली हाफ अ परसेंट अगर हम बोले उतना ही पानी हम वी कैन यूज इट टू ड्रिंक सो ऑब्वियस है इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी शुड सेव वॉटर Right, it is very necessary that we should take care of water. You may wonder why we don't just make the ocean salt water drinkable. Actually, we do. अब यहाँ पर आता है कि ocean का जो water है, अब आप देखो ocean का water कैसे होता है? Saline होता है, यानी salty होता है, है ना? अब फिर हमें ये होता है कि we wonder कि अब ये ओशन का जो सॉल्टी वाटर है हम उसको ड्रिंकेबल वाटर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते क्यों नहीं बना सकते व्हाई डोंट वी मेक दैट सॉल्टी वाटर राइट सो दैट वी कैन ड्रिंक दैट वाटर एक्चुअली वी डू हम वो करते हैं राइट कैसे करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डीसैलिनेशन क्या बोलते हैं Desalination, that means ki we convert that ocean salty water into drinkable water, right? So what is it? This process is called desalination. Ab kaise hota hai ye? Desalination jo process hai, it is a process of removing salt from sea water so that people can use it, hai na? मतलब अगर सॉल्ट अगर पानी में से निकलेगा तो ही हम वो पानी पी पाएंगे कैन वी ड्रिंक सॉल्टी वाटर नो राइट तो ये डीसैलिनेशन जो एक प्रोसेस है उससे हम क्या करते हैं कि जो सी वाटर जो है जिसमें सॉल्ट है वी रिमूव दैट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर सो दैट वी कैन यूज इट इनफैक्ट पीपल हैव बीन मेकिंग सी वाटर ड्रिंकेबल Since the times of ancient Greeks, और ये ऐसा नहीं है कि ये sea water को हम drinkable बना रहे हैं अभी नहीं Since ancient times हम लोग जो है sea water को drinkable water में change कर रहे या convert करते हैं so that we can use that water. The old way was to heat the water until it turned to steam.
तो ऐसा होता है तो क्या मैम पहले ही ये सब प्रोसेस करने के लिए हमारे पास चीजें होती थी? नहीं, ओल्ड वे क्या है, ओल्ड मेथड क्या है कि हम वो वाटर को हीट करते थे, पानी को हम गर्म करते थे टिल इट टर्न टू स्टीम, है ना, द स्टीम वुड राइज लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड। जब तक स्टीम नहीं निकल जाती, और वो स्टीम जो स्टीम क्या होती है, स्टीम इज लाइट, है ना, तो वो क्या करती है, राइज करती है, ऊपर की तरफ जाती है लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड। अब वो स्टीम जो होती थी, फिर वो स्टीम को कूल किया जाता था, क्या किया जाता था, कूल किया जाता था, एंड देन इट वुड कंडेंस बैक इनटू वाटर एंड देन कलेक्टेड द स्टीम। जो लाइट होती थी वो ऊपर की तरफ जो है राइज हो रही होती थी, और नीचे पूरा सॉल्ट जो है वो गैदर हो जाता था। फिर वो स्टीम को क्या किया जाता था, कूल किया जाता था, ठंडा किया जाता था, सो दैट कि वो ठंडा होने के बाद इट वुड कंडेंस बैक टू वाटर, और फिर उसको कलेक्ट किया जाता था। दिस मेथड वर्क्स वेल इन स्मॉल अमाउंट्स, बट हीटिंग द वाटर टू बॉइल टेक्स अ लॉट ऑफ फ्यूल। अब ये अगर हमें मेथड करना है, ओल्ड वे अगर मेथड करना है, तो वो ओल्ड वे में जो मेथड है ना, वो तो हम थोड़ा पानी हो तो हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी में हम इस तरह उसका सॉल्ट नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा उसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि पानी को गर्म करने के लिए वी नीडेड लॉट ऑफ फ्यूल, राइट, क्योंकि पानी को गर्म करने के लिए हमको फायर तो चाहिए, है ना, तो हमें लॉट ऑफ फ्यूल की जरूरत पड़ती थी। बिकॉज ऑफ द नीड फॉर सो मच फ्यूल, अब क्योंकि फ्यूल चाहिए, तो डीसैलिनेटिंग इनफ वाटर फॉर सिटीज स्टेट्स नेशंस इज यूजुअली टू कॉस्टली। अब इतना सारा अगर फ्यूल लग जाए, क्योंकि हमें एज आई सेड वाटर तो सब जगह चाहिए कि सारी सिटीज स्टेट नेशन सब तक पहुंचाए, है ना, तो इतना सारा फ्यूल भी हमारे पास नहीं है, तो वो फ्यूल के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा लगता था। हाउएवर एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स एंड फ्रेश वाटर बिकम्स लेस प्लेंटीफुल, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स लुक फॉर न्यू वेज टू मेक डिसैलिनेशन लेस कॉस्टली। अब एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है ना, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं दे आर ऑन देयर वे एंड इम्प्रूविंग दिस टेक्नोलॉजी, कि किस तरह इसको चेंज किया जाए और न्यू टेक्नोलॉजी से हम फ्रेश वाटर जो है हम ला सकते हैं, ये सॉल्टी वाटर को हम फ्रेश वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी कि एक्टिविटी वन में ये बताया है। लेट अस मूव टूवर्ड्स एक्टिविटी टू। द टाइटल वॉटर वॉटर एवरीवेयर कम्स फ्रॉम अ फेमस पोएम कॉल द राइम ऑफ एंशंट मरिनर, राइट, एक पोएम है द राइम ऑफ एंशंट मरिनर, उसमें से ये वॉटर वॉटर एवरीवेयर वाली जो आपकी पोयम है वो ली गई है। लेट अस सी कि वो क्या बोलती है ये पोयम। एक्चुअली ये पोयम जो है इट इज लिटिल लॉन्ग, थोड़ी लॉन्ग पोयम है, वो पोयम स्टोरी फॉर्म में बताई है, वो है तो पोयम लेकिन वो पोयम क्या है, स्टोरी फॉर्म में बताई है, और उसमें जो कैरेक्टर है वो स्टोरी का, वो जो पोयम का जो कैरेक्टर है, ही इज अ सेलर, सेलर मतलब जो सेल करते हैं ना, बेचना नहीं, सेलर यानी कि जो बोट में शिप लेकर जाते हैं, है ना, तो वो सेलर जो था जो शिप लेकर निकलता था, वो सेलर अनलकी क्यों हो गया, उस सेलर को अनलकी क्यों बोला गया है ना, तो लेट अस सी कि क्या होता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी अगर बताऊं, ये जो सेलर था ये अपना शिप लेकर तो गया, और पूरा ओशन और पूरे सी के बीचों बीच उसकी शिप जो है वो आकर रुक गई, है ना, वो शिप तो उसकी रुक गई, और उसको ही वॉज वेरी थर्स्टी, उसको पानी की बहुत प्यास लगी थी। अब वो सी के बीचों बीच आकर रुक गया, यानी क्या हो गया, चारों तरफ पानी था उसके, वॉटर वॉटर एवरीवेयर, है ना, सी का पानी चारों तरफ था,
लेकिन फिर भी वो अपनी थर्स्ट को पॉन्च नहीं कर पा रहा था, यानी वो अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा था। क्यों? उसके तो चारों तरफ वाटर ही था, सी के बीचों बीच उसकी शिप जो है आकर रुकी थी, तो क्यों वो पानी क्यों नहीं निकाल कर पी सकता था? अभी जो हमने पढ़ा एक्टिविटी वन में कि सी का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी है ना, अब वो सॉल्टी वाटर तो पी नहीं सकता है, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि उसके चारों तरफ पानी था, वाटर वाटर एवरीवेयर, स्टिल ही वॉज डाइंग ऑफ थर्स्ट, फिर भी उसको इतनी प्यास लग रही थी। He could not use that sea water. Why? Because it was salty. है ना? So that is why, as I said, कि water तो हमारे पास हमारे planet में बहुत सारा है, अभी हमने activity one में पढ़ा, लेकिन just 0.5% is used in drinking water. वो इतने सारे पानी का सिर्फ 0.5% ही हम drinking पानी के लिए use कर सकते हैं, drinking के लिए use कर सकते हैं। तो अब हमें शायद awareness मिल गई होगी कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इट इज सो इम्पोर्टेंट, और हमें फिर ये भी पता है कि हम उसको किस तरह वेस्ट करते हैं, राइट? शायद हमें अब पता चलेगा कि हमें वाटर किस तरह सेव करना चाहिए। लेट अस रीड दिस पोयम, राइट? In one verse of poem, the sailor's ship needs to wind to sail on the ocean, but for many days there is no wind. अब यहाँ पर पता है क्या है? जब ship चलती है ना, तो आपको पता है कि जहां से wind आती है, हवा आती है ना, तो उस तरह जो है ship भी sail होती है, right? तो let us see. अब ये जो सेलर जो था जो अपनी शिप लेकर गया, राइट, यू कैन सी दिस पिक्चर, ये देखो पिक्चर देखो, ये शिप जो है सेलर जो है लेकर गया, लेकिन ओशन में आने के बाद वहां पर हवा ही नहीं चल रही थी, विंड ही नहीं चल रही थी। अब क्योंकि विंड नहीं चल रही थी तो उसकी शिप जो है वो बीचों बीच आकर रुक, राइट? तो लेट अस रीड की किस तरह है, क्या है, देखते हैं। डे आफ्टर डे वी स्टक, नो ब्रेथ नो मोशन, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। अब यहाँ पर सेलर बोल रहा है डे आफ्टर डे यानी डेज पर डेज बीतते जा रहे थे, राइट? यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट? As I told you, जब विंड आती है तो शिप जो है आगे की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर सेलर जो है वो बीचों बीच ओशन के, इन द मिडल ऑफ द ओशन, कैन यू सी दिस पिक्चर, राइट? इन द मिडल ऑफ द ओशन यहाँ तक तो आ गया, लेकिन विंड भी नहीं आ रही थी और डेज पर डेज बीतते जा रहे थे, शिप जो है वो मूव ही नहीं कर रही थी। वी स्टक का मतलब हम वहां पर ही अटक गए, स्टक हो गए। क्यों? क्योंकि विंड नहीं थी तो कोई मोशन यानी मूवमेंट नहीं हो रहा था। किसका मूवमेंट नहीं हो रहा था? शिप का मूवमेंट नहीं हो रहा था। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, और ऐसा लग रहा था कि शिप सिर्फ एक जगह खड़ी हो गई है और विंड भी नहीं है, तो जो पानी का मूवमेंट है वो भी नहीं था, कोई वेव्स नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। तो जैसे हम किसी पेंटिंग में देखते हैं ना, ये देखो अगर हम ये सीन देखें तो कैसा लग रहा है ना कि एक पेंटिंग है, राइट? वहां पर वॉटर है और ऊपर बीचों बीच शिप खड़ी है ना, पेंटिंग में तो कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो वैसा ही सेलर के साथ भी हुआ। क्या हुआ कि उनकी शिप जो है, क्योंकि विंड नहीं थी और दिन पे दिन बीतते जा रहे थे, उनकी शिप आगे की तरफ मूव ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक पेंटिंग की तरह खड़ी हो गई है ओशन के बीचों बीच। द नेक्स्ट वर्स हैज आर टाइटल, वर्स हियर मतलब द स्टैंजा, राइट? पोएम की जो लाइंस होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
Water, water everywhere, and all the boards did shrink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. अब यहाँ पर poet बोल रहे हैं कि जैसे आप इधर picture में देख पा रहे हो कि चारों तरफ पानी है. All four sides there is water, water, water everywhere. And all the boats did shrink. मतलब वो पानी अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत शिप के अंदर भी शायद आ गया हो, बोर्ड पर भी आ गया हो. वॉटर वॉटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. मतलब ऑल फोर साइड्स पानी होने के बावजूद भी उनके पास एक ड्रॉप भी पानी पीने के लिए नहीं था. है ना, पानी तो सब जगह था लेकिन पानी पीने के लिए नहीं था. राइट तो आप इमेजिन करो कि हमारे साथ भी ये है. अगर अब इस टाइटल को अगर हम अपने प्लैनेट के साथ कंपेयर करें, अर्थ के साथ और सेलर के साथ कंपेयर करें, तो हम सेलर हैं. राइट अब ये हमारे प्लैनेट में, अर्थ में बहुत सारा पानी है लेकिन ड्रिंकेबल वाटर, पीने का पानी नहीं के बराबर है, कम है. है ना, underline the phrase in the poem that tell us that ship is so still that it is like drawing of a ship. ab yahan par bata rahe hain ki aap jo hai underline karo wo line ko jo phrase bata rahi ho ki ship is like a painting. ye rana as idle as, hai na, as idle as a painted ship upon a painted ocean. okay to ye poem samajh mein aa gaya sabko. Now let us see कि आगे क्या बोल रहे हैं. Work with partner or in a group to understand the meaning of words. What is water that that is everywhere and why is there no drinking water? अब यहाँ के question क्या है. What is water that is everywhere? Ocean water is there everywhere. But why is it not drinking water? Because it is salty water. है ना, because it is salty water. So we cannot drink salty water. Sometimes you may hear someone say that you cannot drink salt water. This is true. But in your reading, you learn two ways to turn the water that is everywhere into drinking water. अब यहाँ पर obviously है ना, दूसरे लोग क्या, हम भी कभी बोलते हैं ना, can we drink salty water? No ना. आप देखो कभी हम गागल करते हैं, कभी हम throat गागल करते हैं, है ना, तो हम वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं सो दैट हम थ्रोट क्लीन कर पाए, गागल कर पाए, है ना. लेकिन वो सॉल्टी वाटर थोड़ा भी हमारा गले के अंदर अगर हम पी लेते हैं तो हमें कितना अजीब सी फीलिंग होती है ना, क्योंकि वो सॉल्टी है. वी कैन नॉट ड्रिंक. राइट सो दैट इज व्हाट इट सेड कि एक्टिविटी वन में हमने देखा कि वो सॉल्टी वाटर को हम किस तरह टर्न कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेश वाटर में या ड्रिंकेबल वाटर में. और सेकेंड एक्टिविटी में हमने देखा कि बहुत सारा पानी होने के बावजूद भी अगर सॉल्टी है तो हम ड्रिंक नहीं कर पाएंगे. Since our reading is about making water safe for drinking, you may think of a better title for it. Create a new title for our reading. Explain your idea for a title. अब आपने देखो यहाँ पर तो टाइटल क्या दिया है, वाटर वाटर एवरीवेयर, है ना. लेकिन क्योंकि ये वाटर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा सा दूसरा टाइटल आता है, व्हाट टाइटल वुड यू वांट टू गिव टू दिस यूनिट. ठीक है, यू हैव टू गिव योर ओन टाइटल एंड एक्सप्लेन योर आइडिया. ठीक है, that means अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटी की इसमें वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दैट ड्रिंकिंग वाटर इज सो इम्पोर्टेंट. व्हाई वाटर इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. राइट, लेट अस रीड की एक्टिविटी सिक्स में. ये एक्टिविटी सिक्स जो है, राइट, यहाँ पर भी एक स्टोरी दी है अबाउट द वाटर बैरल. राइट, लेट अस रीड की ये वाटर बैरल पार्ट वन, इसमें क्या बोल रहे हैं. Now this story is adopted from the children's story garden, right? Children's story garden novel.
which was published in 1920 by J.B. Lippincott Company, right? So let us see ki what it is saying. David, father and I are leaving one job for you to do this morning, mother said. अब मदर जो है अपने सन डेविड को बोलती है, फादर एंड आई आर लीविंग वन जॉब फॉर यू टू डू दिस मॉर्निंग. मतलब मदर ने अपने सन डेविड को बोला, पापा और मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम रखा है टू डू इन द मॉर्निंग. फादर सेड, दैट्स राइट, बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स फिल द वाटर टैंक. और पापा ने बोला कि कुछ भी काम करने से पहले डेविड के लिए उसके पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने क्या काम रखा, दैट उन्हें ये पूरा टैंक जो है उसको वाटर टैंक जो है फिल करना है. पता है ना, हम अपने घर पर भी मॉर्निंग में उठकर वो मशीन चला देते हैं, मोटर चला देते हैं, टैंक भर देते हैं, है ना. तो फादर ने क्या बोला डेविड को, सबसे पहले आपको ये वाटर टैंक फिल करना है. But I wanted to go to the pasture to help Pity with the animals, David complained. So David bolta hai, lekin aaj to mujhe pastures ke liye jana hai Pity ke saath, right? Pity ko help karne, animals ki help karne, pasture ke liye mujhe to jana hai, right? That means David nahi chah raha tha ki wo water tank ko fill kare. No, said mother firmly. Bring up the water first, or it may not get done. So mama David ko bolti hai, nahi. Sabse pehle kya karna hai? Water tank bharna hai. Uske baad jo hai tum ja sakte ho. Father added, boy, you'll be in hot water if you don't get your work done. And with that, they drove away. So father ne bola, tumhi koi trouble hoga. अगर तुमने ये वाटर टैंक भरा नहीं, तुमने अगर अपना काम नहीं किया, राइट, तो तुमको ही प्रॉब्लम होगा, तुम्हें कोई जो है प्रॉब्लम होगा. और ऐसा बोल के पापा चले गए. डेविड वॉक्ड बैक इनटू द हाउस. दे वर प्राउड ऑफ हिज हाउस. डेविड एंड हिज फादर एंड मदर एंड पिची हैड जस्ट बिल्ट दिस हाउस. और डेविड जो है फिर अपने घर पर जाता है, और डेविड का घर जो है बहुत अच्छा बना हुआ था. सब लोग, मतलब डेविड, फादर, मदर, पिटी, राइट, ये सब लोगों को उनका खुद का घर बहुत अच्छा लगता था. पार्ट्स ऑफ इट स्टिल वर अनफिनिश्ड. लेटर दे वुड डिग अ वेल, बट राइट नाउ ऑल द वाटर हैड टू बी कैरीड फ्रॉम द रिवर एंड इट वॉज डेविड्स जॉब टू फिल द लार्ज वाटर बैरल. घर तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन अभी तक पूरा घर बना नहीं था, उसमें अभी वेल डिग करना बाकी था. वेल यानी कुआ, है ना, कुआ अभी डिग करना बाकी था. तो अगर हमारे पास कोई कभी टैंक वगैरह नहीं होता है, तो मम्मा जो है ना बैरल्स या सिंटेक्स की टैंक वगैरह हम रखते हैं ना वाटर स्टोर करने के लिए, तो उसी तरह डेविड के घर में भी एक लार्ज वाटर बैरल था. और वो लोग क्या करते थे, रिवर पे से पानी लेकर आते और वो वाटर बैरल पूरा भर देते थे, सो दैट दे कैन यूज इट, क्योंकि पूरे दिन में वो यूज करना पड़ता था. द फैमिली कुड देन ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ स्पिगॉट एट द बॉटम ऑफ द बैरल. और वो जो बैरल था, उधर जो एक टैप लगा हुआ था, उसमें से फैमिली जो है पानी निकाल लेती थी और यूज करती थी. डेविड क्लाइम्ड अप फ्यू स्टेप्स एट द साइड ऑफ द बैरल. He leaned far over the rim to see how much water was left. अब डेविड ने क्या किया, वो बैरल का जो साइड बैरल था वो क्लाइम किया और उसने बैरल के अंदर लीन करके झुक कर देखा कि कितना पानी अभी बाकी है उस बैरल में. The water was so low in the barrel that he couldn't even touch the surface with his fingertips. और उसने देखा कि पानी बहुत लो था, यानी बहुत कम पानी था, इतना कम पानी था कि वो फिंगर टिप सरफेस, मतलब वो टच भी करके देख नहीं पा रहा था, बहुत ही ज्यादा कम पानी था. ही साइड, यानी उसको बहुत बुरा लगा. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय एंड ही वॉज इट अ बिट टायर्ड, बट इट मेड हिम साई टू थिंक ऑफ ऑल द अदर थिंग्स ही प्रेफर्ड टू डू दैट कूल ब्यूटिफुल मॉर्निंग. अब
ऐसा नहीं था कि डेविड स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं था, डेविड स्ट्रॉन्ग बॉय था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि उसको कुछ और न्यू चीजें करनी थी, खेलना था, घूमने जाना था, लेकिन वो सारी चीजें छोड़कर अभी उसको क्या करना पड़ रहा है, वो पूरा वाटर बैरल भरना पड़ रहा है ना। तो दैट इज व्हाट ही वाज थिंकिंग। अब लेट अस सी कि फिर एक्टिविटी 8 में कि डेविड क्या करता है, द वाटर बैरल पार्ट 2। David got the bucket and walked down and back with full bucket once, twice, three times, four or five. He could see Pity, the hired man, down in sheep pasture. अब David को water कहाँ से लेकर आना था? River पे से। कहाँ से लेकर आना था? River पे से लेकर आना था। तो David वापस river की तरफ जाता, पानी लेकर आता, फिर barrel में डालता, one, two, three, four, five times. बार बार जाकर वाटर में से पानी लेकर आना और बैरल में पूरा टैंक भरना था उसको। और बीच में वो देखता कि वो जो पीटी जो था, वो हायर्ड मैन, वो सारे शीप पास्चर्स के साथ जो है वो बैठा है और एंजॉय कर रहा है, और डेविड को ये सारा काम करना पड़ रहा है। आई वॉन्डर वुडंट इट वर्क जस्ट एज वेल इफ आई फिनिश कैरिंग वॉटर दिस आफ्टरनून, ही थॉट। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एज लॉन्ग एज आई गेट इट डन। और बोल रहा है इस तरह तो ही वॉज वॉन्डरिंग कि इस तरह तो मैं पानी पूरा आफ्टरनून भी लेकर आऊंगा तो भी ये बैरल पूरा भरेगा ही नहीं। He started down the path to Pity, but suddenly he remembered the last time mother and father had gone to town. David had promised to fill the barrel for the Monday washing, but David didn't do it. On Monday, there was no water to wash their clothes. अब उसने सोचा कि वो तो पिटी के साथ चला गया, right? फिर उसको एकदम याद आया कि अरे मम्मी पापा तो टाउन चले गए हैं, मैंने तो बैरल पूरा भरा ही नहीं है। अब मंडे को कपड़े धोने के लिए, वॉश क्लोथ वॉश करने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। तो फिर से जो है डेविड वापस अपने घर पर आता है। Five more buckets, I'll call it enough, he said. One bucket, two, three, four. The sun was getting very hot, five at last. और वो बोलता है, five buckets जो है मैं इस barrel में और ज्यादा five buckets डाल दूंगा। Again he climbed the steps and leaned over the brim. The barrel was only half full. David was hungry and tired. वो और भी five buckets डालता है। फिर वो बैरल में देखता है तो अभी तक भी बैरल तो सिर्फ आधा ही भरा था। अब डेविड को भूख भी लगी थी, वो टायर्ड भी हो गया था। टू मोर एंड आई एम थ्रू, वो बोलता है बस टू और, ओनली टू मोर बकेट एंड बस, उससे ज्यादा मैं नहीं डालूंगा। ही पिक्ड अप द बकेट बट ऑन हिज वे टू द रिवर ही थॉट है ना। अब वो वापस रिवर की तरफ, क्योंकि रिवर से वो पानी ला रहा था, तो जब वो वापस बकेट भरने के लिए जाता है तो उसको एक थॉट आता है, वुडंट इट वुड बी फन टू सरप्राइज मदर एंड फादर टू फिल द ओल्ड बैरल वंस रियली एंटायरली फुल। वुडंट इट बी फन इफ ही हैडंट हैव टू कैरी वाटर फॉर डेज एंड डेज बिकॉज द वर्क वॉज ऑलरेडी डन। सडनली ही रैन डाउन टू द रिवर विद फ्रेश एनर्जी। अब वो सोचता है कि रोज पानी के लिए रिवर तक आना, रोज मुझे ये बैरल अगर भरना है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देता हूँ, आज ही पूरा बैरल भर देता हूँ, पूरा फुल बैरल भर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट कुछ दिनों तक सारा काम होता रहेगा, ये रोज रिवर पे आकर पानी लेने आना नहीं पड़ेगा। One bucket is stopped over to wet his shoes a little. Two buckets, it certainly was getting very heavy. Three buckets, the time he stumbled over the step and spilled the water all over himself. Well, at least it cooled him off. अब वो first bucket भर कर आया तो उसके shoes में पानी wet हो, उसके shoes wet हो गए. Second bucket थोड़ी और heavy हो गई क्योंकि वो थक चुका था. Third bucket वो गिर भी गया, उसके ऊपर पानी पूरा पानी गिर गया एटलीस्ट, लेकिन फिर भी वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, गर्मी से तो बचे। फोर बकेट्स, पीटी कॉल्ड हिम, कम ऑन डाउन हियर विद मी बॉय, बट डेविड ओनली आंसर्ड शॉर्टली, आई एम बिजी। फाइव बकेट, नाउ व्हेन ही पोर्ड द वाटर इन द बैरल
It didn't make much splashing noise. It was almost full.